नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात मित्रों। आज 12 अप्रैल 2019 दिन शुक्रवार का संचित पंचांग और राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूं। तिथि चैत्र शुक्ल सप्तमी है, मध्याह्न 1:24 तक, उसके बाद अष्टमी। नक्षत्र आर्द्रा है, प्रातः 9:54 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। योग अतिगंड है, मध्याह्न 1:22 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। करण वणिज है और चंद्रमा रात्रि 3:15 तक रहेगा मिथुन राशि में, उसके बाद चला जाएगा कर्क राशि में। अब बात राशि फल की। मेष राशि, आज का दिन आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा, ऊर्जाहीन महसूस करेंगे, कार्य का बोझ अधिक रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, रोजी रोजगार नौकरी आदि में स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें, यात्रा के योग हैं लेकिन टाल सके तो बेहतर होगा। धार्मिक गतिविधियों में भी संलिप्तता रहेगी आपकी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, शुभता का प्रतिशत है 60। वृषभ राशि, आज का दिन बेहतरीन है, अपनी पसंद के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जान पहचान का दायरा बढ़ेगा, निवेश फायदेमंद है, कार्य क्षेत्र में प्रगति और तरक्की के योग है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अपनी सोच आज सकारात्मक रखें, किसी भी वाद विवाद से बचकर रहें, यात्रा के प्रबल योग हैं जो फायदेमंद रहेगी, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, अनायास धन प्राप्ति के योग हैं, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, शुभता का प्रतिशत 80। मिथुन राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा, दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहेगी, लोगों का सहयोग आपको राहत प्रदान करेगा, रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए दिन अच्छा है, रचनात्मक गतिविधियों में रुचि व सफलता के योग हैं, अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर सावधान होकर कार्य करें, दाम्पत्य जीवन में कटुता व वाद विवाद की स्थिति के योग हैं, बुद्धि विवेक से काम लें, शुभता का प्रतिशत है 60। कर्क राशि, आज के दिन आप स्वकेंद्रित रहेंगे, अपने विषय में ज्यादा सोचेंगे, भावनात्मक स्थिति भी काफी परिवर्तनशील है, मन की तेज रफ्तार आज आपको चैन से नहीं बैठने देगी, रोजी रोजगार व्यवसाय नौकरी आदि में सफलता के योग है, भविष्य को लेकर आज चिंतनशील रहेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म अध्यात्म में रुचि जागृत होगी, निवेश करना आज फायदेमंद रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आज कहा सुनी व तनावपूर्ण स्थिति से बचें, शुभता का प्रतिशत है 65। सिंह राशि, आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का है, बेवजह के कार्यों में संलग्नता रहेगी आपकी, मन भी थोड़ा अशांत रहेगा, कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, आर्थिक निवेश और धार्मिक गतिविधियों के लिए दिन अच्छा है, रियल एस्टेट में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है, घर में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, कार्य क्षेत्र में कार्य का अतिरिक्त बोझ रहेगा, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संयमित होकर रहें, वाद विवाद को टालें, शुभता का प्रतिशत 60। कन्या राशि, आज का दिन रचनात्मक गतिविधियों व सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता का है, आर्थिक दृष्टिकोण से शानदार दिन है, आय के स्रोत बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मित्रों से मेल मुलाकात भी होगी, आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, बुद्धि विवेक से काम करते जाएं, दाम्पत्य जीवन में किसी वाद विवाद की परिस्थितियों से दूर रहें, शुभता का प्रतिशत है 80। तुला राशि, आज आत्मविश्वास तो रहेगा लेकिन मन को नियंत्रित रखें, घरेलू समस्याएं परेशान करेंगी, आज के दिन आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त होगी, कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहेगी, अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, मित्रों से आज सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के आज चलें, शुभता का प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि, आज का दिन मिला जुला रहेगा, अपने खर्चों पर काबू रखें, अपने निकटतम परिचितों और मित्रों के साथ किसी आसपास के क्षेत्रों में जा सकते हैं, शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों के सुखद परिणाम आज प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में मजबूती रहेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, आर्थिक लेन देन में आज थोड़ी से सतर्क रहें, शुभता का प्रतिशत 65। धनुराशि, धनुराशि वालों का दिन आज भाग दौड़ और परिश्रम में बीतेगा, मन भी थोड़ा अशांत रहेगा, नए स्थान में जाने के योग हैं, कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के योग हैं, अपने क्रोध पर आज नियंत्रण रखें, खर्चे अधिक होंगे, अतीत से जुड़ी कोई समस्या आज उभर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान दें, दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी तनाव आदि से बचने की जरूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, वैचारिक मतभेदों को टालना ही बेहतर होगा, शुभता का प्रतिशत है 60। मकर राशि, आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आया है, अति उत्साह और जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना है जो फायदेमंद रहेगी, रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता आपको खुशी देगी, सेहत का ध्यान रखें, आज खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे,
और इससे आपको भाग दौड़ से तनाव भी हो सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ से तनाव के योग हैं। घर में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, धैर्य बुद्धि विवेक से काम लें, दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। शुक्ता का प्रतिशत 65। कुंभ राशि, आज रचनात्मक व सामाजिक कार्यों की अधिकता रहेगी। पिता का सानिध्य व सहयोग प्राप्त होगा। किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आज कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। पदोन्नति या आर्थिक मुनाफे के योग हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। आज आपके मूड में तेजी से उतार चढ़ाव आएंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 75। मीन राशि वालों का दिन आज शांतिपूर्वक गुजरेगा। संतान सुख में वृद्धि के योग हैं। आज किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा भी लेंगे। आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी। अपनी सकारात्मक सोच वित्तीय तौर पर आपको मजबूत करेगी। घर परिवार में सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा। आज धैर्यशीलता में थोड़ी कमी नजर आ रही है और भौतिक सुख सुविधाओं में भी थोड़ी कमी रहेगी। शुभता का प्रतिशत है 60। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।